नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। एनिमल किंगडम के अंतर्गत आज हम फ्रेंड्स फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटी हेलमिंथीज, इनको हम चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं, तो इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं वो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंट बॉडी होते हैं, तभी इनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इंडो पैरासाइट होते हैं, अंतःजीवी होते हैं, यानी कि अधिकांश प्राणी और समूह, यानी कि अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में ये अंतःजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो बॉडी होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ए सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, हुक्स एंड सुकर्स पाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। यानी कि ये कुछ चपटे कृमि ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों को अपने बॉडी सरफेस से अवशोषित करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। यानी कि होस्ट से डायरेक्ट बॉडी सरफेस से अपने ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, ये मेनली एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। जो ये ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो कि परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर और मादा जो इसमें होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होते हैं। निषेचन प्राय जो होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, और यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज में डेवलपमेंट होता है। और फिर बात करेंगे कि जो प्लेनेरिया होता है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लेनेरिया में जो होती है वो हाई रिजर्नेशन कैपेसिटी पाई जाती है, प्लेनेरिया में हाई रिजर्नेशन कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया, जिसको टैप बोन बोलते हैं, फीता कृमि, फेसियोला, जिसको लिवर फ्लू बोलते हैं, और प्लेनेरिया इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस का रिवीजन कर लिया जाए, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। एक तरफ से देखिए, इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनको हम फ्लैट वर्म यानी कि चपटे कृमि कहते हैं। ये प्राणी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं, यानी कि पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसीलिए सामान्यतः इनको फ्लैट वर्म या चपटे कृमि कहा जाता है। ये इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःजीवी होते हैं, यानी कि इंडो पैरासाइट होते हैं। बाइलेटरल द्विपार्श्वी सम्मति और पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी लेवल ऑर्गन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, यानी कि अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। और इसमें हुक्स एंड सुकर्स पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये कुछ चपटे कृमि, खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, यानी कि बॉडी सरफेस से अवशोषित करते हैं डायरेक्टली। कहाँ से? होस्ट से, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट होस्ट से ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्स करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स याद करना है, इसमें पाई जाती हैं जिनको फ्लैम सेल्स कहते हैं। दैट इज हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन, जो कि एस्क्रीशन में और साथ ही साथ में परासरण नियंत्रण में भी सहायता करती हैं। उत्सर्जन और परासरण नियंत्रण में जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो सहायता करती हैं, ठीक
ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वा की बहुत सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं, मैनी लार्वल स्टेज होता है इसमें। और जो महत्वपूर्ण बात याद करने की ये है कि जो प्लेनेरिया उसमें हाई रिजर्नेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि प्लेनेरिया में जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो असीमित क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, असीमित क्षमता पाई जाती है, हाई रिजर्नेशन कैपेसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिप्टिनिया, फेसियोला और प्लेनेरिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना है, दो क्वेश्चन का जवाब देना है कि एक तो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं प्लेटिहेलमिंथीज में, और दो प्लेटिहेलमिंथीज के ऐसे जब फीचर्स बताने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।